मलाड में बिल्डर के खिलाफ आमरण अनशन शुरू। धोखेबाज बिल्डर देवेंद्र पांडे के खिलाफ लोगों ने लगाया हाय हाय के नारे। मुंबई के मलाड पूर्व गोविंद नगर के धोबी घाट पर शिव शक्ति बिल्डर्स व डेवलपर्स के मालिक देवेंद्र पांडे के खिलाफ समाज सेवक श्रीकांत मिश्रा व सैकड़ों लोगों का आमरण अनशन शुरू कर दिया है। श्रीकांत मिश्रा ने आरोप लगाया कि बिल्डर देवेंद्र पांडे मुंबई का सबसे बड़ा धोखेबाज बिल्डर है, जिसने यहां के रहवासियों के साथ धोखाधड़ी की है और लोगों के झोपड़े को तोड़ उन्हें महल का ख्वाब दिखा उस सपने को चकनाचूर कर दिया। मिश्रा जी का कहना है कि इस धोखेबाज बिल्डर्स के खिलाफ धोखाधड़ी के सारे सबूत मेरे पास है। जल्द से जल्द प्रशासन इस बिल्डर के मालिक देवेंद्र पांडे को सलाखों में डालकर रहवासियों को घर के बदले घर देने का काम पूरा करे। मलाड से जितेंद्र शर्मा की एक रिपोर्ट। देख रहे हैं देश में कोरोना का कहर चारों तरफ से लोगों को घेरा हुआ है और दूसरी तरफ आज देश में विजयदशमी दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। लोग अपने घरों में हैं, लेकिन आज मलाडपुर के गोविंद नगर में आप यहाँ देख सकते हैं कितने ऐसे रहवासी हैं जो आज बेघर हो चुके हैं के यहाँ पे बैठे हैं, बैठ के अनशन कर रहे हैं। हम जानेंगे यहाँ पे श्रीकांत मिश्रा जी से क्या पूरा मामला है, क्या चल रहा है। मिश्रा जी आगे बढ़ो, मिश्रा जी आगे बढ़ो, हमारे साथ मिश्रा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। क्या पूरा मामला है जीवन सारे? आज हम लोगों का धोबी घाट वालों का दुर्भाग्य है कि दुनिया दशहरा मना रही है और हम लोगों के पास न घर है न कुछ है, तो हम लोग कहाँ से दशहरा मनाएं। इसलिए हम लोग रोड पे, ये हमारा जो बिल्डर है देवेंद्र पांडे और पप्पू पांडे, ये बम्बई का सबसे बड़ा चीटर बिल्डर है। इससे बड़ा चीटर बिल्डर बम्बई में आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खाली हमारे धोबी घाट। तो मुझसे जब बात हुई, सबको भाड़ा देने का उसने तय किया, सबका भाड़ा देने का मान्य किया, 2019 तक लगभग सबको भाड़ा नहीं दिया। लेकिन अब उसका काम हो गया, आप देख रहे हैं सब पत्रा मार लिया चारों तरफ से, सब धोबी घाट को निकाल दिया है। अब वो बोलता है साल डेढ़ साल में दो साल में घर दूंगा, हमेशा बोलता है दो महीने में दूंगा तीन महीने में दूंगा, लेकिन वो आज तक दो महीना तीन महीना चार पाँच साल से हम लोग सुन रहे हैं कुछ नहीं दे रहा है। तो अब वो ना भाड़ा दे रहा है ना घर दे रहा है, और जिसके रूम में भाड़े पे हम लोग हैं, हमारे लोग हैं, वो लोग इनको घर से बाहर निकाल रहे हैं। उनकी भी क्या गलती है, उनका भी रोजी रोटी उसी से चल रहा है। तो ये चीटर बिल्डर हम लोगों से चीटिंग करके हम लोगों का ही ले करके हम लोगों के घर में ले, धोबी घाट हमारी थी, हमको बाहर रख दिया और अब खुद अंदर हो गया और वो मालिक हो गया। कितने साल से बजट टूटा है और बिल्डर ने क्या आश्वासन दिया था, एग्रीमेंट बनाया था इस बारे में? एग्रीमेंट सबका है ना, कितने साल हुआ? ये ऐसे तो ऐसा रहे 15 साल से चल रहा है। भाड़ा कैसे देना बंद कर दिया उन्होंने? भाड़ा 2019 से लगभग एकदम बंद कर दिया। बीच में 150 आदमी को दिया था 25,000, उसने भीख जैसा हाँ, और वो भी बोला था भाड़ा नहीं है तो आप लोगों को मैं ऐसे ही दे रहा हूँ हाँ। अब वो भाड़ा समझो चाहे ऐसे ही समझो, लेकिन 25,000 दिया। इसका भाड़ा किसी का 10,000 है, किसी का 15,000 है, किसी का 9,000 है, किसी का 12,000 है, उस हिसाब से इसने किसी को भी भाड़ा दिया नहीं। तो इस बारे में क्या सारे अधिकारी से आपसे कुछ बात हुई? हाँ, सबको हमने लेटर लिखा, तीन महीने से लिख रहा हूँ सबको लेटर, सारे अधिकारी से लेकर के जितनी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है सबको हमने लेटर लिखा। तो कुछ आश्वासन दिया गया आपको? कोई आश्वासन नहीं, बस कोरोना चालू है। अब कोरोना में अगर हम चालू है तो कोरोना में मरेंगे या भूखे मर जाएंगे हम लोग, तो हम कोरोना कहाँ से देखें हाँ। अगर हम कोरोना देखते हैं तो पेट की भूख से मर जाते हैं, और कोरोना से तो एक बार कांदीवली साइड पे चले जाओ, वहाँ पे भी बेईमानी मिलेगा। बोरीवली साइड पे जाओ, वहाँ पे भी बेईमानी मिलेगा। चेंबूर साइड पे जाओ, वहाँ भी बेईमानी मिलेगा। बोलून जाओ, वहाँ भी बेईमानी मिलेगा। अरे मैं बोल नहीं रहा हूँ, जिसको चाहिए वो मेरे साथ आए, मैं चल के दिखाता हूँ क्या क्या बेईमानी की है। या वहाँ की जनता से जाए, पता लगाए कि क्या क्या बेईमानी किया है। ये नंबर एक का बेईमान चीटर चोर बिल्डर है। हम लोगों का दुर्भाग्य है कि ये हम लोगों के पल्ले पड़ गया। हम लोगों ने तो दिया था मुकेश पटेल करके एक अच्छे आदमी को दिया था, लेकिन ये आया अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में, जैसे अंग्रेज हिंदुस्तान में आए मसाला बेचने, वैसे ये आया यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें करने, और अंग्रेज पूरा हिंदुस्तान कब्जा कर लिया, वैसे इसने पूरा धोबी घाट कब्जा कर लिया।
आज न ये किसी को भाड़ा दे रहा है, न किसी को घर दे रहा है। मुझे ये बतावे कि अगर हमारा दो बिल्डिंग कंप्लीट हुआ है ए और बी स्लम का, लेकिन इसने अपना सेल का तीन बिल्डिंग कंप्लीट कर लिया, चौथा पांचवा सब खोद रहा है, भाड़ा नहीं दे रहा है, घर नहीं दे रहा है, और सबसे बड़ा विश्वासघात उसने मेरे साथ किया है। तो उसने मुझको बोला कि मिश्रा जी आप सबको सेटल करो, आपकी सब लोग बहुत इज्जत करते हैं, आप जैसा बोलोगे वैसा हम करेंगे। मैंने उनको उसी समय कहा, क्योंकि पहले मैं ही चीफ प्रमोटर था, हमने पहले बिल्डर से बात भी किया था, हमारी बात भी हुई थी कि सबको घर और सबको भाड़ा मिलेगा, चाहे वो पात्र हो अपात्र हो। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरे धोबी घाट में एक भी आदमी अपात्र जैसा नहीं है, अपात्र कराया है बिल्डर ने आज 5-6 सालों से, क्योंकि 6 साल से उसको अपील फॉर्म दे के रखे हैं और वो 6 साल से किसी का पात्र होने ही नहीं देता। आज तक एक उसने अपना अपील किया ना कुछ किया ना कुछ, वो इसलिए 2 साल से भाड़ा नहीं मिल रहा है, रूम मालिक ने भी निकाल दिया घर से। कहाँ से आए? नाला सुखा रहे में रह रहे भाई, क्या करें? कल से बैठेंगे यहाँ पे, कब तक बैठने का प्लान है आपका यहाँ पे? जब तक भाड़ा नहीं दे रहा है, 8,000 भाड़ा दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा है, और 25,000 दे रहा है। एक तो सब जन को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, और यहाँ सब गरीब जनता है, अपने दाग दागिना सब बेच के लोग अपना भाड़ा भर रहे हैं। लेडीज लोग जाते हैं उनके ऑफिस में, वहाँ उनको रहता हुआ भी नहीं बोलता है, मैं नहीं हूँ, समझे क्या? अब राज्य में शिवसेना सरकार है, शिवसेना की शाखा प्रमुख है, आपके साथ इस तरह अन्याय हो रहा है, आप क्या करना चाहेंगे? आपने इसके खिलाफ में किसी शिवसेना नेता संपर्क किया है, किसी से बात की आपने? अभी तक तो नहीं है, हम लोग तो मिश्रा जी के भरोसे रहे हैं, क्योंकि मिश्रा जी सब जन को, मिश्रा जी 7 जन को, मतलब 5 जन को तो मिश्रा जी के साथ ही है, तो मिश्रा जी के भरोसे हम लोग सब चले हैं अभी तक। अभी देखते हैं मिश्रा जी क्या निर्णय ले रहे हैं, उनके साथ क्या करके बैठ के बातचीत करेंगे और आगे रास्ता देखते क्लियर करेंगे। अभी तो लेडीज लोग ही बाहर निकलेंगे, मैं तो उस दिन सीनियर को भी बोल के आई हूँ कि अभी लेडीज लोग बाहर निकलने वाली है, क्योंकि हद के बाहर हो गए सब। क्या बोलते हैं आप लोग, बार बार क्या आश्वासन दिया जाता है आप लोगों को? लोग 12,000 भाड़े से ले रहे हैं,